हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है, आपको यहाँ नीचे एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, आपको सिर्फ उसे प्रेस करना है। तो चलिए मैं प्रेस करके बता देता हूँ, ये हो गया है और इससे ही आपका चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम हरियाणा की ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो हेडिंग डालेंगे हरियाणा की ऊर्जा परियोजनाएं। हरियाणा की जो ऊर्जा परियोजनाएं हैं इसके अंदर सबसे पहला आता है गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, पहले नंबर पे है गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना। और ये कहाँ पे है? ये परियोजना है गोरखपुर में, और गोरखपुर कहाँ पे है? ये है फतेहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नंबर दो पे है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, अच्छा इसकी क्षमता जो है ये क्वेश्चन में आ सकती है, ये है 2800 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। अच्छा, तीसरे नंबर पे आता है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे है क्वेश्चन आ सकता है, ये है आपका हिसार में। ठीक है, और अगर और डीपली पूछ ले तो हिसार के खेदड़ गांव में है, हिसार के खेदड़ गांव में। और कितने मतलब इसकी क्षमता कैपेसिटी है, वो है इसकी 1500 मेगावाट की, 1500 मेगावाट की इसकी क्षमता है। ठीक है, अब हम एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम झज्जर के जाड़ली गांव में जो पावर प्लांट है उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नंबर चार पे जो आता है वो आता है झज्जर के अंदर, यहाँ पे दो सुपर थर्मल पावर प्लांट हैं, टू सुपर थर्मल पावर प्लांट। और ये कहाँ पे हैं? ये हैं झज्जर के जाड़ली गांव में, झज्जर के झाड़ली गांव में है। ठीक है, और इसमें से जो थर्मल पावर प्लांट है इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो एक का नाम है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है वो है 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन की। ठीक है, दूसरे का नाम है महात्मा गांधी थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और इसकी है 1200 मेगावाट की कैपेसिटी क्षमता। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट जो हमारा काफ़ी फेमस है वो है पानीपत का थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो नंबर पाँच पे आता है आपका पानीपत थर्मल पावर स्टेशन। और ये कहाँ पे है? ये पानीपत के आसन कला गांव में है, आसन कला गांव में। ठीक है, इसकी क्षमता कितनी है पानीपत थर्मल पावर स्टेशन की? इसकी क्षमता है तकरीबन 1367 to 1380 अप्रोक्स, ये इतनी है। ठीक है,
इसकी कैपेसिटी, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ये जो मैं आपको कैपेसिटी लिखवा रहा हूँ ये एकदम ऑथेंटिक है, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है ये पानीपत थर्मल पावर प्लांट के बारे में कि ये कब बन के तैयार हुआ, तो ये भी याद रख लेना, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना 1979 में, 1979 में पानीपत थर्मल पावर स्टेशन बना, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन कब बना क्वेश्चन आ सकता है, ये कब बना 1979 में, ठीक है। एक बार आप इसको लिख लीजिए, हम इसके बारे में थोड़ी सी और जिक्र भी करेंगे पानीपत थर्मल पावर स्टेशन के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जो 1997 में इसी थर्मल पावर प्लांट में एक पॉइंट लिखेंगे, 1997 में हरियाणा सरकार ने, 1997 में हरियाणा सरकार में, हरियाणा सरकार ने अपनी एक यूनिट भी स्टार्ट की, ठीक है। इसी के अंदर अपनी एक यूनिट इंट्रोड्यूस की है, इंट्रोड्यूस की, ठीक है। और इस यूनिट को हम सबसे पहले तो शॉर्टकट में लिख लेते हैं HPGCL। पेपर में आ सकती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है हरियाणा पावर जनरेशन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 1997 में हरियाणा सरकार ने इसके अंदर अपनी एक यूनिट इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यमुनानगर में, हम पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं तो पानीपत के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं यमुनानगर में। यमुनानगर में थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, और पूछा जा सकता है यमुनानगर में जो थर्मल पावर स्टेशन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है छोटू राम, छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। और इसके कितनी कैपेसिटी है, इसकी लगभग है 600 मेगावाट की कैपेसिटी, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं सोनीपत के बारे में कि सोनीपत में कौन सी है, तो लिखेंगे ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और ये जो है इसकी क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसकी है तकरीबन 300 किलोवाट, ठीक है, ये थोड़ी सी कम है, 300 किलोवाट। और ये कहाँ पे है, ये है आपका सोनीपत में, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, ये कहाँ पे बनाई हुई है जल विद्युत परियोजना, ये बनाई गई है पश्चिमी यमुना नगर पर, ठीक है, पश्चिमी यमुना नहर पर बनाई गई है, नहर पर एक डैम है वहाँ पे ये बनाई गई है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ठीक है। एग्जाम में छोटा सा पूछ सकता है कि सोनीपत में कौन सी परियोजना है, उस परियोजना का क्या नाम है, तो उस परियोजना का नाम है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे जो पावर स्टेशन है ये खत्म होते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के इतिहास के बारे में, तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हरियाणा का इतिहास, अगर हम हरियाणा के इतिहास की बात करें तो सिंपल सी बात है, इतिहास 3 भागों में डिवाइड होता है, मेडिवियल होता है, मॉडर्न होता है, एंशियंट होता है। तो शुरुआत करने वाले हम प्राचीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास हेडिंग बनाएंगे क्या, प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हरियाणा में एक आया था, मतलब हरियाणा के पेपर में आया था, वो क्वेश्चन कुछ ऐसे था कि दिव्य वदान धर्म, दिव्य वदान धर्म
विद्यावदान ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, और इसका आंसर क्या था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड था, ये बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, अब यहीं से हम एक दो बातें और निकाल लेते हैं कि जो ये है ग्रंथ है, जो दिव्य वदान ग्रंथ, ठीक है, इसमें क्या बता रखा है, इसमें बता रखा है कि इसमें कुछ शहरों का वर्णन है जहां जहां महात्मा बुद्ध आए थे। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट करते हुए, वो क्या कि यहाँ पर इस ग्रंथ में, ऐसे लिख लो, इस ग्रंथ में निम्न शहरों का वर्णन है, निम्न शहरों का वर्णन है जहां जहां महात्मा बुद्ध आए थे, जहां जहां महात्मा बुद्ध आए थे, ठीक है, और वो कौन कौन से शहर हैं? एक तो है अग्रोहा और एक है रोहतक, और इन दोनों के बारे में हम डिटेल में आगे की आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध कहाँ कहाँ आए थे? वो आए थे अग्रोहा और रोहतक में, और इस बात का वर्णन कौन से ग्रंथ में है? वो है आपके दिव्य वदान ग्रंथ में। ठीक है, एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्राचीन इतिहास की बात करें तो महाभारत का भी जिक्र आता है। तो महाभारत का जो पुराना नाम था वो था जय संहिता, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे, महाभारत का पुराना नाम क्या था? महाभारत, महाभारत के बारे में डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं और अभी आगे भी करेंगे। महाभारत का पुराना नाम, इस ग्रंथ का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था, ठीक है। अब दूसरी बात आती है महाभारत का युद्ध, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसे है, महाभारत का युद्ध मतलब 900 BC में हुआ था, 900 BC में हुआ था। अब क्वेश्चन ये है, ये किसके अनुसार है, ठीक है, ये है, इसका आंसर आएगा महाभारत का युद्ध रोमिला थापर के अनुसार, रोमिला थापर के अनुसार 900 BC में हुआ था। किसके अनुसार हुआ था? रोमिला थापर के अनुसार 900 BC में हुआ था, ठीक है। और इसी के अंदर नकुल दिग्विजय, ठीक है, नकुल दिग्विजय के नाम से रोहतक व सिरसा का वर्णन है, नकुल दिग्विजय के नाम से रोहतक व सिरसा का वर्णन है, ठीक है। अब महाभारत की अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या था, महाभारत के समय में, नायब तहसीलदार में आया हुआ क्वेश्चन है, महाभारत के समय में लाओस देश से मिला, लाओस देश से मिला अभिलेख किस राजा का अभिलेख है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, किस राजा का अभिलेख है? अब इसका आंसर क्या है, इसका जो आंसर है वो है राजा देवक का अभिलेख मिला है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, राजा देवक का अभिलेख मिला है, ठीक है, राजा देवक का इसके अंदर अभिलेख मिला है। और मान लो और भी डिटेल में क्वेश्चन आ जाए कि
इसके अंदर और किसके, मतलब इस अभिलेख के अंदर कौन से शहर का वर्णन लिखा गया है, ठीक है? तो आंसर आएगा क्या, कुरुक्षेत्र का, ठीक है? इस अभिलेखों में, यानी कि इस अभिलेख में या इन अभिलेखों में कुरुक्षेत्र शहर का वर्णन हो रहा है, कुरुक्षेत्र शहर का वर्णन है, ठीक है? एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा साथ के साथ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पेवा से राजा मिहिर भोज के अभिलेख मिले हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेवा से राजा मिहिर भोज के अभिलेख मिले हैं, ठीक है? और इन अभिलेखों में लिखा है, इन अभिलेखों में लिखा है कि 8वीं सदी में, इन अभिलेखों में क्या लिखा हुआ है, 8वीं सदी में राजा मिहिर भोज के टाइम पे, ठीक है? राजा मिहिर भोज के टाइम पे, राजा मिहिर भोज के समय पर कुरुक्षेत्र में घोड़ों का व्यापार होता था, कुरुक्षेत्र में घोड़ों का व्यापार होता था, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि 8वीं सदी में राजा मिहिर भोज के समय पर कुरुक्षेत्र में किसका व्यापार होता था। तो आंसर आएगा घोड़ों का व्यापार होता था, ठीक है? अब आगे आता है, एक मिला है लाडनू अभिलेख। नेक्स्ट है आपका लाडनू अभिलेख। अब लाडनू अभिलेख में क्या है, हरियाणा की राजधानी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लाडनू अभिलेख है एक, और लाडनू अभिलेख में हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है, हरियाणा की राजधानी दिल्ली को बताया गया है, दिल्ली को बताया गया है, ठीक है? एक एक चीज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अच्छे लेवल का एग्जाम देना, आपका एक नंबर भी निकलना चाहिए, इसीलिए मैं आपको हर एक वो चीज लिखवा रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब हमें ये अभिलेख की तो बात हो गई, तो अगर हम प्राचीन इतिहास में अभिलेख की बात कर रहे हैं, तो हमें अब मुद्रा के बारे में बात करनी चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मुद्राएं, नेक्स्ट है हमारा मुद्राएं, ठीक है? तो मुद्राओं में रोहतक से स्टार्टिंग करते हैं, और रोहतक के खाकरा कोट से, और रोहतक के खाकरा कोट से तीसरी सदी के इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, ठीक है? दूसरी चीज, राजा हर्ष की ताम्र मुद्राएं काफी फेमस हैं, राजा हर्ष की ताम्र मुद्राएं ये कहां से मिली हैं, ये मिली हैं सोनीपत से। तीसरा, कुषाण शासकों के समय में तांबे के सिक्के, ठीक है? ये एक नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे कि कुषाण शासकों के समय में, कुषाण शासकों के समय के लिख सकते हो, क्योंकि उसी टाइम के थे, कुषाण शासकों के समय के तांबे के सिक्के या तांबे की मुद्राएं या तांबे के सिक्के, ठीक है? ये मिले हैं मित्ताथड़ से, और मित्ताथड़ कहाँ पे है ये क्वेश्चन आ सकता है, ये है भिवानी में है, ठीक
ठीक है। और दूसरा, मिथाथल में कौन से कहाँ के अवशेष मिले हैं? तो ये जो मिथाथल है, ये आपका हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित, ठीक है। ये भी हेडिंग पॉइंट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या है, एक बार आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब कई जगह हैं, क्या है कि सिक्के डालने के सांचे भी मिले हैं, वो भी दो जगह मिले हैं, एक तो रोहतक से और एक भिवानी से। तो ये भी आपको पॉइंट बनाना होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, सिक्के डालने के सांचे कहाँ से मिले हैं? सिक्के ढालने के सांचे, ठीक है, ये कहाँ से मिले हैं? एक तो मिले हैं आपके रोहतक के खोखरा कोट से, रोहतक के खोखरा कोट से। दूसरा मिले हैं भिवानी के, मतलब भिवानी से मिले हैं। देखो, डिटेल में जानना जरूरी है कि भिवानी में है औरंगाबाद से, भिवानी में कहाँ से? औरंगाबाद से मिले हैं, रोहतक के खोखरा कोट से और भिवानी के औरंगाबाद से मिले हैं, ठीक है। एक इसी में अगर हम बात करें तो ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1968 में प्रोफेसर सूरज भान ने, 1968 में प्रोफेसर सूरज भान ने हिसार के सीसवाल से, हिसार में गांव है सीसवाल, तो यहाँ से सीसवाल सभ्यता की खोज कर रखी है, ठीक है। सीसवाल, हिसार के सीसवाल से सीसवाल सभ्यता की खोज की। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1968 में ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की? ये की थी प्रोफेसर सूरज भान ने। कहाँ से थे ये? हिसार से थे। सीसवाल सभ्यता कहाँ से संबंधित है? हिसार से संबंधित है। कब खोज की थी? 1968 में खोज की थी, ठीक है। अब क्वेश्चन एक पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन क्या है? सीसवाल सभ्यता के, सीसवाल सभ्यता के हरियाणा में कितने स्थल मिल चुके हैं? कितने स्थल मिल चुके हैं? तो इसका आंसर है 29 स्थल मिले हैं। सीसवाल सभ्यता के हरियाणा में कितने स्थल मिल चुके हैं? तो आंसर आएगा 29 स्थल, ठीक है। और ये जो सीसवाल सभ्यता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अपनी ये सीसवाल सभ्यता है, उत्तर पाषाण काल की सभ्यता है। सीसवाल सभ्यता उत्तर पाषाण काल की सभ्यता है, उत्तर पाषाण काल की सभ्यता है, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब और भी इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं, उत्तर पाषाण काल के बारे में। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो समझना उत्तर पाषाण काल के बारे में भी थोड़ा सा। एक्चुअल में क्या है, उत्तर पाषाण काल में निग्रो ऑस्ट्रियन टाइप की प्रजाति के लोग पाए जाते थे, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उत्तर पाषाण काल में, पाषाण काल में निग्रो ऑस्ट्रियन, निग्रो ऑस्ट्रियन टाइप की प्रजाति के लोग पाए जाते थे उत्तर पाषाण काल में। और इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। ये जो निग्रो ऑस्ट्रियन थे, ये थोड़े से ब्लैक कलर के होते थे। इसके अलावा जो इनकी हाइट होती है ना, छोटी सी हाइट होती थी, मतलब छोटे छोटे थे, इतनी ज़्यादा हाइट नहीं होती थी, लगभग 4 या 5 ऐसे इनकी हाइट होती थी, 4 फुट ऐसे। तो एक और चीज़ यहाँ से अगर हम बात करें, उत्तर पाषाण काल में एक और चीज़ मिली है, तो क्या मिली है?
उत्तर पाषाण काल में हस्तिनापुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। हस्तिनापुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब एक और यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, बनावली से पक्की ईंटों के भी साक्ष्य मिले हैं उत्तरी पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल के, ऐसे लिखो, उत्तर पाषाण काल के बनावली से पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। पक्की ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा एक जो वो है कुणाल, ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो ये आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं जो साक्ष्य से रिलेटेड हैं, जो आपको मतलब पता होने चाहिए एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब हम हरियाणा के गणराज्यों की बात करते हैं, ठीक है, होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें हेडिंग डालनी है हरियाणा के गणराज्य, ठीक है, हरियाणा के गणराज्य, अगर हम हरियाणा के गणराज्यों की बात करें तो हरियाणा के पुराने समय में चार गणराज्य थे, ठीक है, यहाँ पे कितने गणराज्य थे, चार गणराज्य थे। आ सकता है क्वेश्चन, कितने गणराज्य थे हरियाणा में, चार गणराज्य थे, ठीक है। जो पहला था वो था अग्र गणराज्य, और इसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते थे, अग्रोहा, हिसार, बरवाड़ा, ठीक है, ये तीनों क्षेत्र आते थे अगर गणराज्य में, ठीक है। दूसरा आता था अर्जुनायन, दूसरे नंबर पे क्या आता है, अर्जुनायन, ठीक है। जो अर्जुनायन गणराज्य था इसमें भी दो क्षेत्र आते थे, एक तो था महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, और दूसरा था भिवाणी, ये दो क्षेत्र आते थे। तीसरे नंबर पे आता है यौधेय गणराज्य, और इसके अंदर जो क्षेत्र आते थे वो आते थे रोहतक, नौरंगाबाद। नौरंगाबाद कहाँ है, ये एक्चुअल में भिवाणी में है, ठीक है। और नंबर चार पे आता था आपका कुणिद गणराज्य, कुणिद गणराज्य, ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये अंबाला में है, ठीक है। अब हम धीरे धीरे हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, हरियाणा की हिस्ट्री को, ठीक है। अब जैसे हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी हर्षवर्धन के भी सिक्के मिले हैं हरियाणा में, तो हर्षवर्धन के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमें सोनीपत, राजा हर्षवर्धन की ताम्र मुद्राएं मिली हैं सोनीपत से, तो राजा हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं अभी हम, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे पुष्य भूति वंश की स्थापना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है पुष्य भूति वंश की स्थापना। देखो जो रेलेवेंट चीज़ है हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात आ जाती है जैसे हमें वहाँ पे सिक्के मिले हर्ष के बारे में, राजा हर्ष के बारे में, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हेडिंग क्या है, पुष्य भूति वंश की स्थापना, ये किसने की थी स्थापना, ये की थी पुष्य भूति ने, पुष्य भूति ने की थी,
ठीक है। और ये कहाँ पे है, मतलब ये पुष्यभूति ने कहाँ पे स्थापना की थी, ये थानेसर में। और इसी के अंदर, ठीक है, पुष्यभूति वंश का सबसे जो प्रतापी राजा था, हेडिंग डाल लेंगे पुष्य भूति वंश का सबसे प्रभावी शासक कौन था, तो वो था जी हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ठीक है। और अब एक्चुअल में ये एक चक्कर क्या था, हर्षवर्धन कैसे प्रतापी राजा बना, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक था प्रभाकर वर्धन, ठीक है। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे और एक पुत्री, ठीक है। उस पुत्री का नाम था राजश्री, ठीक है। अब ये जो दो पुत्र थे उनमें से एक का नाम था राज्यवर्धन और जो दूसरा उसका पुत्र था उसका नाम था हर्षवर्धन। और इनकी दोनों भाइयों की एक सिस्टर होगी राजश्री, ठीक है। अब ये जो इनकी बहन थी राजश्री, इसकी शादी हुई थी ग्रहवर्मा से। ग्रहवर्मा से इसकी बहन जो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी उसकी शादी हो गई थी ग्रहवर्मा से, ठीक है। अब हुआ क्या, जो ग्रहवर्मा था और राज्यवर्धन, ग्रहवर्मा और राज्यवर्धन इनकी आपस में किसी बात के लेकर लड़ाई होगी, ठीक है। तो जो ग्रहवर्मा का जो फ्रेंड था उसका नाम था शशांक। उसने क्या किया, शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। इसने क्या किया, इस राज्यवर्धन को मार दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इसकी हत्या कर दी। अब अपने भाई को मरता देख हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने शशांक को मार दिया। हर्षवर्धन ने अपना शशांक को मार दिया। अब शशांक का दोस्त था पुलकेशिन द्वितीय, समझना दोबारा से। राजश्री की शादी हुई ग्रहवर्मा से, ग्रहवर्मा और राज्यवर्धन की लड़ाई थी, तो ग्रहवर्मा के दोस्त शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। अब राज्यवर्धन के भाई हर्षवर्धन ने किसको मार दिया, शशांक को मार दिया। अब क्या था, शशांक का भी एक दोस्त था, उसके दोस्त का क्या नाम था, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय, या ऐसे लिख सकते हो पुलकेशन टू, ठीक है। अब हर्षवर्धन जो था ये थानेसर से अपने राज्य को बढ़ाता हुआ पूरी उत्तर भारत पर कब्जा कर रहा था, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बना सकते हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। हुआ क्या, हर्षवर्धन थानेसर से अपने राज्य को आगे बढ़ाता हुआ पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर बैठा, ठीक है। तो हेडिंग बनाएंगे यहाँ पे हर्षवर्धन थानेसर से अपने राज्य को बढ़ाता हुआ पूरे उत्तर भारत पर पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। एक क्वेश्चन, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है कि हर्षवर्धन राजा कब बना था, तो ये बना था 606 ईस्वी में। ये पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हर्षवर्धन बड़ा ही प्रतापी राजा था, 606 ईसा पूर्व में ये अपना राजा बना। और इसने तकरीबन क्या किया, 634 और 35 ईस्वी तक इसने क्या किया, पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया, पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन कर लिया। ठीक है। अब आगे कैसे, क्या कॉन्सेप्ट चलता है, हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को जीत लिया। अब जीतने के बाद वो साउथ की तरफ अपना मतलब स्टार्ट करता है जीतना। अब साउथ का जो राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय,
जो कि हमने डिस्कस किया था। पुलकेशन द्वितीय किसका फ्रेंड था? शशांक का। और शशांक को किसने मारा था? हर्षवर्धन ने। तो साउथ का राजा जो पुलकेशन था उससे हर्षवर्धन का सामना हो गया। ठीक है, एक तरफ तो अपना हर्षवर्धन हो गए और एक तरफ हो गया पुलकेशन द्वितीय जो कि शशांक का दोस्त था। ठीक है, और इनका आमना सामना हो गया क्योंकि जब ये अपना साउथ में जीतने के लिए आया तो उस साउथ में तो राजा यही था। तो पुलकेशन द्वितीय ने क्या किया, अब हर्षवर्धन को मार दिया। ठीक है, ये इसको मार दिया। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आता है, पुलकेशन द्वितीय कौन से मतलब कौन से वंश का शासक था? तो इसका आंसर होगा चालुक्य वंश का शासक था ये। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी के बारे में और डिटेल में भी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, जो इनकी लड़ाई हुई थी पुलकेशन वर्सेस हर्षवर्धन की, ये नर्मदा नदी के पास हुई थी। ठीक है, इन दोनों की लड़ाई कहाँ हुई थी? ये लड़ाई हुई थी नर्मदा नदी के पास, नर्मदा नदी के पास। ठीक है, ये लड़े थे। और जो हर्षवर्धन मरा था ये कब मरा था? 647 ईस्वी पूर्व मरा था। ठीक है, हर्षवर्धन मर गया था। अच्छा, हर्षवर्धन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है इसको मैं मतलब कर देता हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉप करके वीडियो को देखें। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे? मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्षवर्धन की हेडिंग बनाएंगे, हर्षवर्धन के राज्य कवि। ठीक है, तो हर्षवर्धन के जो राज्य कवि थे उनका नाम था बाण भट्ट, बाण भट्ट। ठीक है, और बाण भट्ट ने एक बड़ी ही फेमस चीज लिखी थी, वो क्या थी? हर्षचरित। ठीक है, राजा हरीश हर्ष के लिए लिखी थी हर्षचरित्र। ठीक है, एक और यहीं से क्वेश्चन बनता है, हवेन सांग, ये तो कई बार पूछा गया पेपर में, हवेन सांग क्या था? ये हर्षवर्धन के काल में ही आया था, हर्षवर्धन के काल में ही आया था। कौन? हवेन सांग। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो हमने अभी गणराज्य की बात की उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जो ये है गणराज्य, इसके बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाएंगे कि ये क्वेश्चन आया है यहाँ से, गणराज्य से जो क्वेश्चन आया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर गणराज्य कहाँ पे स्थित है? अगर गणराज्य स्थित है अग्रोहा में। ठीक है, अगर गणराज्य कहाँ स्थित है? अग्रोहा में। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, अर्जुनायन गणराज्य कहाँ स्थित है? अर्जुनायन गणराज्य है स्थित महेंद्रगढ़ में। ठीक है, और योद्धेय गणराज्य किधर है? योद्धेय गणराज्य ये है औरंगाबाद में, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद का दूसरा नाम क्या है? प्रकृत नाथ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रकृत नाथ था पहले। और कुणित गणराज्य, ये तो एग्जाम में आया है, कुणिंद गणराज्य कहाँ पे स्थित है? तो ये जो कुणित गणराज्य है ये अंबाला में है। ठीक है, और ये हमारा एंशियंट हरियाणा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा की ओर, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। समझना मेडिवियल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा कैसे है। ठीक है, अगर हम मेडिवियल हरियाणा की हिस्ट्री की बात करें तो शुरुआत होती है महमूद गजनवी से। ठीक है, तो महमूद गजनवी के बारे में डिस्कस करेंगे। महमूद गजनवी प्लस इसके साथ आया था अलबरूनी।
ठीक है, अलबरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ, दोनों ने मिलकर हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया। हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया, और ये कब आक्रमण किया? 1014 में, ठीक है, थानेसर में आक्रमण किया। और यहाँ पे इसने एक बहुत ही मतलब बुरा काम किया, इसने क्या किया, चक्र स्वामी नामक एक मूर्ति तोड़ी। चक्र स्वामी नाम की मूर्ति तोड़ी, ठीक है। अब दूसरा आता है, बात कर लेते हैं, देखो जो इम्पोर्टेंट है ना हम वही डिस्कस करेंगे। अब ये जानकारी कोई ज़रूरत नहीं है, महमूद गजनवी कौन था, कब आया, कहाँ से आया, ये हरियाणा में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जब हम वो डिटेल में सेंट्रल हिस्ट्री की बात करेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, महमूद गजनवी के बारे में, गोरी के बारे में, अलबरूनी के बारे में। तो यहाँ पे कितना ज़रूरी है, वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है हरियाणा के लिए, सिर्फ इतना ही ज़रूरी है कि महमूद गजनवी अलबरूनी दोनों आए थे हरियाणा के थानेसर में, 1014 में आक्रमण किया था और चक्र स्वामी नाम की एक मूर्ति को तोड़ दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, ठीक है। अगर हम मोहम्मद गोरी की बात करें तो मोहम्मद गोरी का नाम आते ही तराइन का पहला युद्ध आ जाता है, तराइन का दूसरा युद्ध आ जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे क्या, तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध। तो प्राइम का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1991 में हुआ था, ठीक है, और तराइन का दूसरा दूसरा जो युद्ध हुआ था वो था 1192 ईसा पूर्व, ठीक है, ये तब हुए थे युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा युद्ध। अब तराइन का जो आज का नाम है, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, पहला नाम तराइन था, आज का नाम इसका तरावड़ी है, जो क्षेत्र है तराइन, आज का नाम क्या है इसका, तरावड़ी है। और ये तरावड़ी कहाँ स्थित है, ये है करनाल में, ये करनाल में है, ठीक है, ये जो तरावड़ी है, ठीक है। अब तराइन के अगर हम पहले युद्ध की बात करें तो जो पहला युद्ध हुआ था, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध में किस किस की लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, एक तरफ क्या लिखेंगे हम, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय वर्सिज मोहम्मद गोरी, वर्सिज मोहम्मद गोरी, ठीक है। और इसमें किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, ये जीता और ये हार गया, और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को बख्श दिया। अब लड़ाई हुई दूसरी, ये तो गया प्रथम युद्ध 1191, ठीक है। अच्छा दूसरा युद्ध हुआ तराइन का, दूसरा युद्ध जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था ये 1192 में हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की फिर से लड़ाई हुई, यानी पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गोरी। और इस लड़ाई में कौन जीता, अब की बार पृथ्वीराज चौहान हार गया और मोहम्मद गोरी क्या हुआ, विजयी हुआ, ठीक है। मोहम्मद गोरी तराइन के दूसरे युद्ध में मतलब जीत जाता है, और जैसे ही ये जीत जाता है तो मोहम्मद गोरी का शासन आ जाता है, ठीक है, यहाँ तक आप लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए ये जो मोहम्मद गोरी था, ये जैसे इसको तो पृथ्वीराज चौहान को तो इसने मार दिया, अब मोहम्मद गोरी आगे बढ़ा और 1192 में, ठीक है, आगे बढ़ते हुए इसका सामना हुआ जाटवा राजपूत से, जाटवा 1192 में
जाटवां राजपूत से इसका सामना हुआ और मोहम्मद गोरी ने जाटवां राजपूत को भी क्या कर दिया, मार गया, यानी ये हार गए और मोहम्मद गोरी की जो सेना थी वो जीत गई। ठीक है, अब ये आगे की क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मोहम्मद गोरी अपने गुलाम था इसका एक, ठीक है, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो मोहम्मद गोरी का एक मतलब वफादार लगा लो या गुलाम लगा लो कुतुबुद्दीन ऐबक था, वो इसको यहाँ पे छोड़ के, कुतुबुद्दीन को यहाँ छोड़ दिया भारत में और खुद अपना यहाँ से निकल लिया। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ से कि मोहम्मद गोरी जो है, मोहम्मद गोरी के गुलाम का क्या नाम था, तो उसके गुलाम का नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब मैं आपको जो सल्तनत रही है उसको मैं आपको याद करवा दूंगा, जो हरियाणा इसमें दिल्ली की सल्तनत, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो इसको हम किस तरीके से याद करेंगे, एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, ये भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझना, इसको कैसे याद करेंगे, इसको हम याद करेंगे जिक्के की ट्रिक को सलाम। ठीक है, ट्रिक क्या है, जिक्के की ट्रिक्स को सलाम। ठीक है, क्या है, जिक्के की ट्रिक को सलाम। तो जो जी से है, जी से हम क्या बनाएंगे, गुलाम वंश, जी से क्या बन गया, जी से जू, जैसे बन गया गुलाम वंश। ठीक है, और गुलाम वंश के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी इसकी स्थापना कब हुई थी, 1206 में हुई थी और किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की स्थापना। अच्छा, कैसे क्या बनेगा, इसके बाद आया था खिलजी वंश, इनको सिर्फ आपको सीरीज में याद रखना है, नंबर 2 पे कौन आया था, खिलजी वंश। ठीक है, अच्छा टी से के याद रखेंगे हम, कौन आया था, तुगलक वंश, टी से क्या बन गया, तुगलक वंश। एस से सलाम को ऐसे लिखेंगे हम, एस ए एल ए और एम। ठीक है, जो एस से हम क्या बनाएंगे, एस से बनाएंगे हम सैयद वंश, सैयद वंश। ठीक है, अच्छा एल से क्या बनाएंगे हम, लोधी वंश, लोधी वंश। और एम से क्या बनाएंगे हम, एम से बनाएंगे मुगल वंश। तो ये अपना दिल्ली की हो गई, ये सीरीज में थे, तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, जो काम की बातें हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हरियाणा में गुलाम वंश का योगदान, हमें दिल्ली से कोई मतलब नहीं है कि वो आपकी जब सेंटर जीके चलेगी उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो हेडिंग डाल लेंगे हरियाणा में गुलाम वंश का योगदान। ठीक है, तो हरियाणा में जो गुलाम वंश का योगदान था उसमें से पहला आता है रजिया सुल्तान। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पे पूरी 4-5 घंटियां खराब कर देते हैं, वहां से क्वेश्चन कुछ नहीं आना, लेकिन हरियाणा के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन है, रजिया सुल्तान, राजगद्दी पे बैठी थी 1236 से लेकर 40 तक। ठीक है, मतलब ये आपका मृत्यु हो गई थी इसकी। अच्छा, इसका मकबरा कहाँ पे है, इसका मकबरा है कैथल में। ठीक है, और जो दरबारी थे, दरबारियों ने रजिया सुल्तान को मार दिया था, दरबारियों ने रजिया सुल्तान को मारा था, यह है इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और जो रजिया सुल्तान थी, ये इसके पिताजी का क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम आप ऐसे ले सकते हो, इल्तुमिश की बेटी थी ये, इल्तुमिश की बेटी,
रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? रजिया सुल्तान की शादी हुई थी अल्तोनिया से। अल्तोनिया से इसकी शादी हुई थी, ठीक है। और अगर आप कभी कैथल गए हों तो थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ मैं। कैथल में पैवा चौक के पास, कैथल में पेवा चौक के पास रजिया सुल्तान का मकबरा है। रजिया सुल्तान का मकबरा है, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट ही आपको बताने लग रहा हूँ जो काम का है, ठीक है, जो हरियाणा के लिए रेलेवेंट है। फालतू की चीज़ें हमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं बलबन के बारे में। अगर हम बात करें बलबन की, तो ये हांसी का इक्तेदार था। हांसी का इक्तेदार, इक्तेदार कहने का मतलब है गवर्नर। हांसी का गवर्नर था। बलबन के बारे में काफी फेमस बात है कि बलबन ने मेवात का विद्रोह करवाया था। बलबन ने मेवात का विद्रोह करवाया था। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सीधा खिलजी वंश की ओर। अब कईयों के माइंड में आ रहा होगा कि सर क्या इतना ही पढ़ना है? हाँ भाई, इतना ही पढ़ना है, हरियाणा के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ठीक है। जो आप अगर और भी हाई लेवल के लिए जाना चाहते हो तो उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेंटर जीके को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फालतू की राम कहानी इसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है कि बलबन क्या था, चौगान थे, 40 में उनमें भी ये काम करता था, कुछ नहीं आने वाला वहाँ से, ठीक है। जो जेन्युइन है वो यही है। अब आ जाता है खिलजी वंश। खिलजी वंश, ठीक है। तो खिलजी वंश का पहला आता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। अब ये भी पहले क्या था? इक्तेदार था, ये भी इक्तेदार था, गवर्नर था, लेकिन बाद में ये आसी का राजा बन गया था, ठीक है। अब आप ऐसे लिख सकते हो, आसी का राजा बनने से पहले, आसी का राजा बनने से पहले ये क्या था? इक्तेदार था, गवर्नर था। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी गवर्नर था या इक्तेदार था, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आ जाता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि फिरोज शाह तुगलक ने एक मतलब शहर बसाया था, वो क्या था? हिसार। तो फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने क्या बसाया? तो इसने बसाया था हिसार को, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने किसे बसाया? हिसार को। क्वेश्चन आ सकता है, हिसार का पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है हिसार ए फिरोजा, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने इसके अलावा एक और चीज बसाई है, वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद को भी बसाया, ठीक है। और फतेहाबाद को बसाने का पीछे क्या रीजन था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे फतेह खान तुगलक के नाम पे बसाया था ये। यानी जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनके बेटे का क्या नाम था? फतेह खान तुगलक। फतेह खान तुगलक, फतेह खान तुगलक, और इसी के नाम से फतेहाबाद बसाया गया था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हरनी खेड़ा एक जगह है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने मतलब ये सिरसा के करीब है, तो एक बार हेडिंग बनाएंगे
क्योंकि ऑप्शन में आपको क्या क्या मिल सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या बसाया, इसार कोई बसाया, फतेहाबाद कोई बसाया, हरनी खेड़ा कोई बसाया, तो इसलिए हम इसके बारे में लिख लेते हैं हरनी खेड़ा। अरनी खेड़ा को बसाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अब अरनी खेड़ा एक जगह है, ठीक है, पहले तो ये लिख लो, इसको बसाया फिरोज शाह ने। अब हरनी खेड़ा क्या है, ये एक जगह है, सिरसा के करीब है, तकरीबन 22 किलोमीटर दूर, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी की याद में गुजरी महल भी बनवाया था। ठीक है, अरनी खेड़ा तो अपना बसा दिया, इसके अलावा एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी की याद में गुजरी महल को बसाया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं हम सैयद वंश की। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, सैयद वंश। ठीक है, अब सैयद वंश में बात आ जाती है तैमूर लेंग की। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो बनाएंगे 1398 ईस्वी में, सैयद वंश के अंदर 1398 ईस्वी में तैमूर लेंग ने तैमूर लेंग को, तैमूर लेंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंगड़ा था, ठीक है, फतेहाबाद पर आक्रमण किया, बस इसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो सैयद वंश में आता है कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने फतेहाबाद पर आक्रमण किया था, बस यही इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि तैमूर लंग ने कहाँ पर आक्रमण किया था, फतेहाबाद में। कब आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी में, सैयद वंश के अंतर्गत था वो। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोधी वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है लोधी वंश। अगर हम लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश में क्या आता है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आती है वो आती है 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को। ठीक है, और ये जो लड़ाई हुई थी किस किस के बीच हुई थी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच ये लड़ाई हुई थी। ठीक है, और इसमें कौन जीता था, इसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोधी मारा गया था। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पे है, इसका जो मकबरा है ये है पानीपत में। ठीक है, और दूसरा जो ये है, यहीं से एक और क्वेश्चन आ जाता है, इन्हीं में लोधी वंश में है, इब्राहिम लोधी का तो पानीपत में है, यहीं से हम एक चीज़ और लिख लेते हैं, बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी का मकबरा भी कहाँ है, वो भी पानीपत में है। इब्राहिम लोधी का मकबरा भी पानीपत में है, बहलोल लोधी का मकबरा भी कहाँ है, पानीपत में है। अच्छा, बाबर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लो कि बाबर की पत्नी का क्या नाम था, मुस्मत काबुली। ठीक है, इनकी वाइफ का क्या नाम था, मुस्मत काबुली, और मुस्मत काबुली की याद में बाबर ने क्या क्या बनवाया, एक तो बनवाया काबुली बाग, ठीक है, दूसरा आया काबुली महल, तीसरा है बनवाया उसने काबुली मस्जिद। ठीक है, इन तीन चीजों को उसने बनवाया। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है, ये तीनों कहाँ हैं, ये तीनों पानीपत में हैं।
जो रेलेवेंट चीज़ें हैं वो सिर्फ इतनी ही हैं, ठीक है, हरियाणा के लिए। अब दुनिया भर के ड्रामे करने, वो उसने ऐसे मारा, ये किया, वो किया, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके एग्ज़ाम में वो आने वाला है, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो आपके लिए रेलेवेंट है, कि पानीपत का जो फर्स्ट फाइट हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, ठीक है, इसमें भारत में तोपों का इस्तेमाल हुआ था पहली बार, और ये जो तोपों का इस्तेमाल की करने वाला था वो था बाबर। अब क्वेश्चन यहाँ से आता था, इसके दो विश्वसनीय तोपची थे, ठीक है, बाबर के दो विश्वसनीय तोपची थे, उनका क्या नाम था? तो उनमें से एक का तो नाम था उस्ताद अली, उस्ताद अली, और दूसरा नाम था मुस्तफा। यानी ये दो उसके फेमस तोपची थे जो तोप चलाने के लिए लाए गए थे, ठीक है। और इसी लड़ाई के बाद, बैटल ऑफ फर्स्ट पानीपत के बाद, यहाँ से लिख सकते हैं कि पहली लड़ाई के बाद क्या हुआ था, भारत में मुगल वंश की नींव पड़ी थी, मुगल वंश की नींव पड़ी थी, ठीक है, इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की वजह से। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।